एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं हूँ भावना और आज आपके लिए अगेन एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरा बर्थडे भी आने वाला है 2nd of June। और मैं इतनी हमेशा ना मैं इतनी सारी शॉपिंग करती थी अपने बर्थडे पर, और इस बार मेरा मार्केट में जाना बिल्कुल बंद है। जाने ही नहीं देते, सारा टाइम निगरानी रखते हैं। इवन मम्मी को भी बोल दिया, मम्मी ध्यान रखना चली ना जाए। इवन मैं वैसे यहाँ पर मार्केट से, जो मेरी लोकल मार्केट है, बहुत रेयर कुछ खरीदती हूँ, लेकिन एक आध शॉप से जो मैं खरीदती हूँ उनके कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई नया स्टॉक आया, नई वेराइटी आई है, तो आप चेक कर लो। लेकिन मैं नहीं गई हूँ। और आज मैं जो हॉल वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ क्लब फैक्ट्री का। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लब फैक्ट्री हॉल वीडियो। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ना क्लब फैक्ट्री से अभी तक काफ़ी सारा सामान मंगवाया हुआ था, पर क्लोथिंग नहीं मंगवाई थी। लेकिन मेरे को तो मतलब जब से मैंने क्लब फैक्ट्री से क्लोथिंग की शॉपिंग करी है ना, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई हूँ। और मुझे क्लब फैक्ट्री की क्लोथिंग बहुत ही अमेजिंग लगी है। मेरी फ्रेंड ने कई बार शॉपिंग करी थी बट मैंने नहीं करी थी। फाइनली इस बार मैंने डिसाइड करा मैं भी क्लब फैक्ट्री से शॉपिंग करती हूँ। और ये मैंने ना जब ये लॉकडाउन चल रहा था ना, ये तभी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था, पेमेंट कर दी थी। उसके बाद ये काफ़ी टाइम बाद सामान आया। इवन इसमें से कई सारा सामान तो अनअवेलेबल भी हो गया। मैंने दोबारा से ऐड करा था कार्ट में कि मेरे को लगा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब मैं शॉपिंग करी थी तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि दी जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया तो मेरी सिस्टर ने बोला यार मेरे लिए भी मंगा दे। तो दो ड्रेसेस मैंने उसके लिए मंगाई है, और एक ड्रेस और एक कुर्ती मैंने अपने लिए मंगाई है। और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मुझे गिफ्ट जो मिलेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन मेरे बर्थडे व्लॉग के बाद। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं। और ये वाली ड्रेसेस आपने मे बी कोई और भी साइट पर देखी होगी, बट इसके रेट्स उन सब साइट से कम थे, तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। अगर नहीं पसंद आया तो रिटर्न भी हो जाएगा, और इन सारे ही प्रोडक्ट्स पर रिटर्न अवेलेबल था। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने क्लोथ्स का, अपने क्लोथ्स दिखाने स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आपको एक कुर्ती जो कि है ऑरेंज कलर में, और मैं इसको ऑल्टर करा चुकी हूँ। और बहुत ही सुंदर कुर्ती है ये, लखनवी एम्ब्रॉयडरी में कुर्ती है। आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंट कितना ज्यादा सुंदर है। और ये 3/4 स्लीव्स के साथ है। और मैंने ना बस इसका ना एक प्रॉब्लम ये आ गई थी, मैंने एक्सेल ऑर्डर करी थी, ये डबल एक्सेल आ गई थी। लेकिन ये कुर्ती मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी, मेरी मम्मा ने बोला भी कि तुम इसको एक्सचेंज के लिए डाल दो, बट मैं ये वापस नहीं देना चाहती थी, तो मैंने ये ऑल्टर करा ली, मम्मा से ही ऑल्टर कराई है। और इसके बैक साइड पर ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और ये कुछ इस टाइप से है। ओवरऑल अगर स्टफ की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये कुर्ती मुझे पड़ी है 399 में, और उसके बाद इसका रेट एकदम से चेंज हो गया मेरे शॉपिंग करने के साथ ही। इवन मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत टाइम मेरे को तो अब लग रहा है क्लब फैक्ट्री पर ऐसा होता रहता है कि जब मैंने ली थी ये सस्ती थी, बट अब इसके रेट हो गए हैं, रेट बदलते जा रहे हैं। और ये सादगी की कुर्ती है, आप देख सकते हैं ये जो ब्रांड का नाम है ये सादगी है। अगर आप सादगी कुर्तीज ऑनलाइन करके शेयर सर्च करेंगे तो आप जरा खुद से देखना कि और साइट्स पर इसका क्या प्राइस आ रहा है। आपने देख लिया ना डिजाइन, आप एक बार मेरे कहने से सादगी कुर्ती ऑनलाइन गूगल पर सर्च करना और देखिए। और ये प्योर कॉटन में है, आई थिंक ये रियोन ही है, और बहुत ही अच्छे स्टफ के साथ है, एकदम सॉफ्ट है, अकॉर्डिंग टू समर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसको व्हाइट कलर के प्लाजो, मेरे पास व्हाइट कलर का, एक्चुअली मुझे प्लाजो नहीं, मुझे इसके संग शरारा लेना है, और मार्केट में जा नहीं सकती है ऑनलाइन, अभी मैंने मंगाया नहीं है। लेकिन जब भी मैं इसको कैरी करूंगी, मेरे पास व्हाइट कलर का दुपट्टा तो, इवन मेरे पास चिकन की सलवार भी है व्हाइट कलर की। और चलिए फिर मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, और आप लोग मुझे बताना कि आपको ये कुर्ती कैसी लग रही है।
और मैं आपको साथ के साथ बताती भी जाऊंगी कि कौन सी मेरी ड्रेस है और कौन सी दी की, और अब और जो वो पहन के दिखाएगी वो दीदी ही पहन के दिखाएगी क्योंकि वो घर आ चुकी है और उसने ट्राई करके देखी थी कुर्तीज, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। तो नेक्स्ट जो है वो एक शरारा ड्रेस है और इतनी सुंदर है, इवन मैं तो उसको कंटिन्यूसली बोल भी रही थी कोई बात नहीं तुझे पसंद नहीं है तो तू छोड़ दे मैं ले लूंगी, लेकिन उसने छोड़ी ही नहीं। तो वो जो ड्रेस है वो कुछ इस टाइप में है और आप देख सकते हैं ये कुर्ती है और ये इसका शरारा है। तो बात करते हैं पहले हम लोग कुर्ती की, और कुर्ती पे ये पर्ल का और ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो रही है और आप देख सकते हैं ये सी ग्रीन कलर में, और अगर इसकी स्लीव्स की बात करें तो इसकी बेल स्लीव्स है और बहुत ही प्यारी लग रही है ओवरऑल कुर्ती। और अगेन ये कुर्ती भी कॉटन में है और इसकी स्लीव्स के यहाँ पर ये गोटा लगा हुआ है गोल्डन कलर में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहा है इस कुर्ती को। और सबसे प्रिटी तो इसके ये फ्लावर्स हैं जो कितने सुंदर हैं आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके शरारा की, शरारा भी प्योर कॉटन में है और इतना ऑसम डिज़ाइन है ना, शरारा पहन के तो दी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैं बता दूँ मैं उसको दीदी नहीं बोलती, उसको नाम से ही बुलाती हूँ क्योंकि हम दोनों छोटे थे और हमेशा इतना लड़ते थे, और मैंने ना जब बड़ी वाली दोनों सिस्टर्स को तो दीदी बोलती हूँ बट उसको तो मैं नाम से बोलती हूँ, वो हमेशा बोलती है वीडियो में तो बहुत दीदी दीदी करती है। और ये रहा शरारा, व्हाइट कलर में है ये, और देख सकते हैं कि इसका बॉटम कितना ज्यादा है, ये देखिए कितना बॉटम है ना इसका, और ये भी अगेन प्योर कॉटन में है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है, और उसी के साथ साथ मिल भी लो मेरी सिस्टर से। चलिए फिर बात करते हैं मेरी नेक्स्ट ड्रेस की, और वो ड्रेस मेरी है और बहुत 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 सुंदर है, वन ऑफ माई फेवरेट है, बहुत प्रिटी है। आप बोलोगे तारीफ कर, इतनी तारीफ कर रही हो, तो चलो अब उसको मैं दिखा भी देती हूँ। और ये ना ये वाली ड्रेस में बहुत सारी, और ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ही, ये सारी ही ड्रेसेस क्लब फैक्ट्री की हैं, और ये वाली ड्रेस आपने देखी भी होगी बहुत सारी साइट्स पर ये दिखा रहे हैं। और ये रही इसकी कुर्ती, और ये प्योर कॉटन में है, बहुत ही लाइट सा, बहुत सॉफ्ट इसका स्टफ है और बिल्कुल प्योर कॉटन में है। और आप देख सकते हैं नेट पे ये गोटा पट्टी की लेस लग रही है, और ये जो आपकी लेंथ है ये नी से थोड़ा सा ही नीचे आएगा क्योंकि इसके नीचे स्कर्ट आएगी, अगर ये कुर्ती ज्यादा लंबी होती तो स्कर्ट पोर्शन हमें नजर नहीं आता, इस वजह से इसकी लेंथ थोड़ी कम है। और ये बहुत ही सुंदर है, और ये जो इसका जयपुरी प्रिंट है ये तो इसको और भी ब्यूटीफुल बना रहा है, और इसके अंदर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे ये, और उसके साथ है ये प्योर कॉटन में बहुत लाइट वेट के साथ ये स्कर्ट है, और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फ्रिल के साथ तो नहीं है बट इतना कम भी नहीं है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्कर्ट है। मैं इसकी पिक्चर साइड में लगा दूंगी आप लोगों के साथ, और आप देख सकते हैं इस पे ये सुंदर सा डिजाइन हो रहा है, कुछ केज टाइप बन रहा है ये। और अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो इसके बॉर्डर पे ये गोटापत्ती की लाइनिंग वो लेस लग रही है, और ये बहुत बहुत प्यारा और एकदम अकॉर्डिंग टू समर एकदम लाइट वेट है, प्योर कॉटन के अंदर है। और दुपट्टे की तो मैं फैन हो गई हूँ, मुझे इस टाइप के एकदम लाइट कॉटन दुपट्टा बहुत प्यारे लगते हैं, और बिल्कुल स्कर्ट के ही डिज़ाइन का है, और इसीलिए इस कुर्ती की लेंथ थोड़ी कम रखी गई थी ताकि स्कर्ट पोर्शन प्रॉपरली नजर आए। और अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत सुंदर है, ये आपको 700 में तीनों मिल जाएंगे, और ये रेट्स थोड़े थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी मैंने कल भी आई थिंक चेक करा था 700 में था, मैंने भी ये 690 का लिया था आई थिंक, और मेरे को ये आए हुए एक हफ्ता हो गया, मैं सारे प्रोडक्ट का वेट कर रही थी कि एक एक करके सारे आ जाए, जब आ जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और ये रहा इसका कॉटन का, और मैं लिंक्स दे दूंगी जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। और इसके दुपट्टे में
यहाँ पर अच्छे से पीको हो रही है। अगर हम इसकी स्टिचिंग की बात करें तो बहुत अच्छी स्टिचिंग है, प्योर कॉटन में है, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत सुंदर है। और उस दिन ना आई थिंक संडे को मेरी दीदी आई हुई थी, मैंने शायद वीडियोस में बताया भी हो, जिन मेरी दीदी का बुटीक है वो आई हुई थी और उन्हीं के सामने ड्रेस आया था, तो वो बोल रही थी कितनी सुंदर ड्रेस है, अगर हम ऐसी ड्रेस से स्टिच करवाने जाएंगे तो इतने तो स्टिचिंग लग जाएगी हमारी, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि स्कर्ट का प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा ही होता है। हाँ, और एक और आपको चीज़ बता दूँ, वैसे तो ये इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन इसके अंदर अंदर लाइनिंग नहीं है, ये खाली ऐसे ही है अंदर। मुझे लगता है इसके नीचे कुछ लेगिंग या कुछ वेयर करना पड़ेगा, लेकिन वैसे बहुत प्यारी लग रही है। और आप देखिए, तो चलिए फिर नेक्स्ट ड्रेस की बात करते हैं। और नेक्स्ट ड्रेस मेरी सिस्टर की है और ये इतनी प्यारी लग रही है, एकदम मॉड सा लुक दे रही है ये वाली ड्रेस। और मेरी मम्मा तो इवन बोल रही थी कि तुम भी अपने लिए ऑर्डर कर दो, अनफॉर्चुनेटली ये पीस अनअवेलेबल दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये इतना सुंदर सा वर्क है, और अगेन ये प्योर कॉटन में है, और मैं इसकी भी वीडियो अटैच कर दूंगी। ये क्या लगा लिया, कुछ लग गया है यहाँ पर ना, आप देख सकते हैं बॉटम में भी ये बॉर्डर लग रहा है। और ये इसी, ये ही पैंट है इसके साथ, इसी स्टफ में पैंट है, और आगे इसका कुछ इस टाइप का डिजाइन है, और बैक से ये पूरी इस टाइप से है। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है, और इसका खादी कॉटन होता है ना, ये खादी कॉटन के अंदर है। और ये रही इसकी पैंट, पैंट में देखिए यहाँ बॉटम पर ये, और ये जो हो रहा है ना ये रबर प्रिंट हो रहा है। वैसे ये रबर प्रिंट इतनी आसानी से हटता तो नहीं है, क्वालिटी की बात करें तो बहुत प्यारी क्वालिटी है। और ऊपर इसकी जो, मेरे को इस टाइप की पैंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है जो फ्रंट से तो ऐसे बेल्ट होती है और जो इनकी इलास्टिक होती है बैक में लगी होती है, तो फ्रंट से इनकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है। और इसमें ये भी दिया हुआ है अगर आपको टाइट लूज टाइट करना हो तो। और ये मेरा अमेज़ॉन का हॉल वीडियो हुआ कंप्लीट, और मैं इसके साथ वीडियोस भी डाल दूंगी जो मेरी दीदी की ड्रेसेस थी, दीदी ने वेयर करके दिखाई थी। और आप मुझे कमेंट करके बताना मेरे को आपको ये मेरा हॉल वीडियो कैसा लगा। और सीरियसली मेरे को ना, मतलब मैं अभी तक और साइड से शॉपिंग करती थी, मैंने क्लोथिंग की शॉपिंग फर्स्ट टाइम करी है क्लब फैक्ट्री से, बट मुझे बहुत ज़्यादा इसके स्टफ पसंद आए हैं पर्सनली। अगर और मैंने ना, मेरे ना कोई मतलब मार्केट से भी मेरे पास काफ़ी सारी फोटोज़ आई थी ड्रेसेस की, इतने ज़्यादा प्राइस लग रहे थे और वो ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये सस्ते हैं तो इनकी क्वालिटी, ये 750 के अंदर है। और मतलब मुझे तो लगता है जैसे मिल ही नहीं सकता मार्केट में, अगर आप जाएंगे आपको 750 में ये वाली ड्रेस आपको 700 में नहीं मिल सकती। ऑरेंज वाली कुर्ती जस्ट और जस्ट 400 की है, और आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको सबसे सुंदर मेरी कौन सी कुर्ती लगी। एंड प्लीज़ स्टे कनेक्ट और हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।